नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। 11,000 की रिश्वत लेते पकड़ा वन रक्षक, लोकायुक्त टीम सागर की कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस अभिषेक वर्मा ने बताया कि आवेदक जयराम लोधी ग्राम तिगोड़ा तहसील सागर ने लोकायुक्त कार्यालय में लिखित में शिकायत की थी कि बैलगाड़ी छोड़ने एवं ईंट भट्टा लगाने के एवज में आरोपी दिनेश मिश्रा वन रक्षक उत्तर वन मंडल चौकी तिगोड़ा तहसील सागर जिला सागर द्वारा 11,000 रुपयों की रिश्वत मांगी जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की जांच पड़ताल की उपरांत आज शनिवार को गठित ट्रैप दल द्वारा उत्तर वन मंडल कार्यालय तिगोड़ा में वन रक्षक दिनेश को आवेदक से 11,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीम में निरीक्षक बीएम द्विवेदी और अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में ट्रैप संबंधी कार्यवाही की गई। बताया जाता है कि वन रक्षक दिनेश मिश्रा खुद ईंट के भट्टे भी चलाता है और दूसरों के भट्टों से हर महीने रुपयों की वसूली करता है। जी सर, बताएं आज जो आपने कार्रवाई की उस बारे में विस्तृत से बताइए। जी, तिगोड़ा निवासी जयराम लोधी ने शिकायत की थी इसके साथ कि जो तिगोड़ा बीट प्रभारी हैं दिनेश कुंद्रा, इन्होंने बैलगाड़ी छोड़ने और ईंट भट्टा चलाने के लिए 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की। उसी पर कार्रवाई आज की तो दिनेश मिश्रा हैं और उसके साथ उनके चौकीदार हैं उन्हीं बजक दोनों रिश्वत राशि के तो पकड़े गए। कितनी राशि पकड़ी है सर? 11,000 रुपए की। धन्यवाद।